नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी हार्ट ऑफ स्टोन स्टारिंग आलिया भट्ट एंड गैल गैडट रिलीज हो चुकी है। एंड क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर ये मूवी भी एक टिपिकल स्पाई थ्रिलर मूवी के फॉर्मूले पे बनी है जो कि हमें अब तक देखने को मिला है ऑलमोस्ट हर एक स्पाई मूवीज के अंदर। सो बेसिकली एक यूजुअल स्पाई थ्रिलर मूवी की तरह ही सिमिलर कॉन्सेप्ट इस मूवी का भी है। एक डिस्ट्रक्टिव वेपन है जो कि विलेन को चाहिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल वेपन है, एंड उसी को रोकने के लिए एक सीक्रेट एजेंसी भी है जिसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता है। सो बेसिकली वो सीक्रेट एजेंसी इस मूवी के अंदर है चार्टर, एंड उसके पास है दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन जो कि इवेंचुअली एक एआई है जिसका नाम है हार्ट ऑफ स्टोन। अब अगर तुम्हें ये नाम अजीब लग रहा है तो पूरी पिक्चर में तुमको कुछ ऐसे ही नाम सुनने को मिलेंगे क्योंकि एक्चुअली में जितने भी चार्टर के एजेंट्स हैं यानी कि उस सीक्रेट एजेंसी के एजेंट्स हैं उन सब के नाम ताश के पत्तों के ऊपर रखे गए। जैसे अपनी गैलगरोट है उसका नाम है नाइन ऑफ हार्ट्स। अब भले ही ये वाला प्लॉट ना जाने कितनी ही स्पाई थ्रिलर मूवीज में यूज हो चुका हो, अपने इंडिया से ही जनवरी में रिलीज हुई इस साल पठान मूवी को ले लो या फिर हॉलीवुड से आई लास्ट मंथ रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग को ले लो, भले जितनी बार भी ये प्लॉट यूज हुआ हो लेकिन ये मूवी फिर भी काम कर जाती है। अब मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में भी एक एआई का जिक्र हुआ था जिसको बहुत पावरफुल बताया गया है, सिर्फ बताया गया है, ये चीज नोट करना। उसको कंट्रोल करने के लिए लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, वैसा ही कुछ इस मूवी में भी अपने को दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी के अंदर उसको सिर्फ बताया नहीं गया है, उसको जस्टिफाई भी किया गया है। ये दिखाया गया है कि एक्चुअली में वो एआई क्या क्या कर सकता है। एंड ओवरऑल मूवी देखते टाइम आपको ये फील भी होगा कि अगर ये हार्ट ऑफ स्टोन गलत हाथों में पड़ा तो इसका इस्तेमाल कितना कुछ बिगाड़ सकता है। तो ये जो मोस्ट पावरफुल वेपन वाला कॉन्सेप्ट है इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में सब कुछ बढ़िया ही है, मूवी एक मास्टरपीस है। मूवी के अपने कुछ फ्लॉज हैं। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है इस मूवी का वो मुझे लगा इसकी स्टोरी राइटिंग के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे मूवी की स्टोरी राइटिंग बहुत वीक हो जाती है। लाइक सपोज करो आप दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी हो यानी कि वही चार्टर, और आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आपका एआई हार्ट ऑफ स्टोन। अब जहां पे आपने अपना एआई छुपा के रखा है, सपोज करो वहां पे कोई अटैक करता है, तो उसको बचाने के लिए वहां पे कोई सेफ्टी फीचर, कोई बैकअप प्लान या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं है? कोई बंदा इजीली वहां पे जाके आपका एआई चुरा सकता है, और आपको भी पता है कि आपका एआई कितना कुछ कर सकता है, कितना कुछ बुरा कर सकता है, तो फिर आपने उसको बचाने के लिए वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं रखा? सिंस अगर आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है तो आप उसको बचाने के लिए भी कुछ तो कोशिश करोगे कि अगर इन फ्यूचर हमसे ये चला जाता है, कोई छीन लेता है, तो फिर इसको रोकेंगे कैसे या फिर इसको चोरी करने से बचाएंगे कैसे? एंड ऐसे ही कुछ वीक स्टोरी राइटिंग अपने को मूवी के एंड में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि भाई जब एआई चोरी हो जाता है इनका यानी कि चार्टर वालों का, तब भाई ये लोग सिर्फ क्लाउन्स की तरह बैठ के तमाशा देख सकते हैं। मतलब दो बंदों ने मिलके आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुरा लिया और आप कुछ नहीं कर सकते उनका। तो ये सिंपली इस मूवी की बैड स्टोरी राइटिंग को दिखाता है। इसके अलावा मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत सही लगे मुझे। मूवी अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही एक हुक बनाने की कोशिश करती है एक चेस सीक्वेंस को दिखा के। हाँ, वो बात अलग है कि ये चेस सीक्वेंस तुम्हें अपने हुक में फंसा नहीं पाता क्योंकि एक्चुअली में मूवी की स्टोरी वहां से स्टार्ट ही नहीं होती, एंड आपको स्टोरी के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं रहता। इसके अलावा जो मुझे नोटेबल चीज लगी वो लगी इस मूवी के अंदर का बैकग्राउंड स्कोर, वो मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा आलिया भट्ट का काम बहुत सही है इस मूवी के अंदर, एंड एज ऑलवेज अपनी गैल गैडट तो सेक्सी लगी रही थी मूवी में। ओवरऑल बोलू तो ये मूवी कोई बुरी मूवी नहीं है, एक अबव एवरेज मूवी आप इसे बोल सकते हो, वन टाइम वॉच के लिए बढ़िया है। अगर आप कभी फ्री रहते हो तो जरूर ये मूवी देखना, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ये एक्शन थ्रिलर मूवी हार्ट ऑफ स्टोन। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो इंडियन सिनेमा या वर्ल्ड सिनेमा से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।